फ्रेंड्स, केबी कॉमर्स नोट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल का नाम तो आपको पता है, केबी कॉमर्स नोट्स। हमने लास्ट टाइम टेबुलर मेथड का सम्स करवाया था, जो आपने वीडियो देखा होगा। अगर तो वीडियो नहीं देखा है टेबुलर मेथड का, फर्स्ट वाला, इसमें टेबुलर मेथड में दो वीडियो मैंने बनाए हैं। पहला वीडियो बेसिक है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने रख दी है, आप वहां से देख लो। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड करवाया था, उसमें हमने लिमिट पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बनाए हैं। ये बेसिक है, फैक्टराइजेशन मेथड के बिना आपको लिमिट आ सकता नहीं है, इसलिए आप ये वीडियो जरूर देखें। सेकेंड वाली फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड में हमने एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए रेस टू एन माइनस वन वाली मेथड करवाई है, वो आप कर लेना। फर्स्ट प्रिंसिपल इज द वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर द 11th कॉमर्स स्टूडेंट एंड 12th कॉमर्स स्टूडेंट, सो दैट वो लोगों को क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अवश्य करना है, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अभी जो हम करवा रहे हैं वो टेबुलर मेथड है। टेबुलर मेथड में मैंने तीन सम्स करवाए थे, फोर्थ सम्स था मैंने आपको घर से दिया था, पर बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि फोर्थ सम सर करवाइए। तो फोर्थ सम था लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, टू अपॉन एक्स माइनस थ्री था, 2.9 इंक्रीजिंग, मतलब छोटी संख्या पहले लेनी है, 2.9, 2.99, 2.999, 2.49, यहाँ पे 3.1, 3.01, 3.001, 3.0001 रखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट यहाँ आया कि सर ये लिमिट कैसे पुट करेंगे ये वाले क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, लिमिट पुट करके बताता हूँ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 2 अपॉन एक्स की जगह हमको ये लिमिट पुट करनी है, तो हम क्या पुट करेंगे, 2 अपॉन एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2.9, तो 2.9 माइनस 3 पुट करेंगे हम, क्या करेंगे x की जगह 2.9 माइनस 3 पुट करेंगे। अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, कैलसी करना पड़ेगा, तो मैं कैलसी थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैलसी में ये सवाल कैसे आएगा। तो ये मैंने कैलसी ले लिया है। अब कैलसी में सबसे पहले एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, ओके, कैलसी में सबसे पहले मैं कैलकुलेटर स्टार्ट कर देता हूँ। कैलकुलेटर में कैल्सियम है 2 अपॉन 2.9 माइनस 3 है, तो 2.9 माइनस क्या है 3, तो उसका आता है माइनस 0.1 आंसर आता है। तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 0.1 करेंगे, माइनस तो हम सुन समझ लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -20। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, -20 आंसर आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे -20 आंसर। क्या लिखेंगे हम दोस्तों, -20 आंसर लिखेंगे। तो पहले वाले में हमारा आंसर क्या आया, -20 आया, सो दैट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पेन मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं ले लूंगा -20 वाला, तो यहाँ हो जाएगा -20। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, 2.99, तो नीचे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2.99 माइनस 3 लिख देंगे, तो यहाँ पे मैं कैलसी करता हूँ, 2.99 माइनस 3, तो उसका आंसर आता है सर 0.01। 0.01 आएगा तो 2 डिवाइड बाय 0.01, तो उसका आंसर आएगा 200, किसका आएगा 200। अब इसका आंसर वैसे ही कितना आ जाएगा, 2000 आएगा, इसका आंसर वैसे भी कितना आएगा, 20000 आएगा, इसलिए बढ़ता रहेगा, आप अपने हिसाब से वो क्या कर लेना, सॉल्व कर देना। अब उसी तरह 3.1 का करना पड़ेगा, तो सर इजी है, यहाँ पे 3.1 रख दो, 2 जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स की जगह हमको क्या रखना है 3.1, तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे 3.1 माइनस 3, तो 2 3.1 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.1, तो क्या लिख देंगे 2 डिवाइड बाय 0.1, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 20 आएगा। फिर
यहाँ पे एक बार और हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कर लेते हैं 3.01, तो 2 3.01 माइनस क्या कर देंगे, 3 कर लेंगे। 3.01 माइनस 3 करो तो 3.01 माइनस 3 तो आंसर आ जाएगा 0.01। तो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 0.01 तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 200। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 200, यहाँ पे आ जाएगा 2000, यहाँ पे आ जाएगा 20,000। अब ये सर सबसे अलग सम है, क्यों अलग है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि सब सम में क्या होता था सर, सब सम में तो हमको नियर बाय वैल्यू मिल जाता था, लेकिन ये वाले सम में नियर बाय वैल्यू नहीं मिल रहा है सर। इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20, 200, 2000, 20,000 यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तो ऐसे ही कहीं नियर बाय आएगा ही नहीं हमारा आंसर। जैसे कि देखो मैंने पिछले वीडियो थर्ड में क्या करा था, यहाँ देखो ये 3.2 था, 3.02 हुआ, -3.02 हुआ, -3, तो नजदीक आते आते -3 हो जाएगा। ये 2.8, 2.98, -2.98, 2.998, तो ये भी नजदीक आते आते 3 हो जाएगा। तो दोनों का आंसर मिला के -3 हमने कर दिया। लेकिन ये जो फोर्थ वाला वीडियो है, वो फोर्थ वाला क्वेश्चन में कोई भी जगह हमको नजदीक कोई नंबर दिखता नहीं, बहुत दूर दूर जाए। ये वाला आंसर उधर जा रहा है देखो, और ये वाला आंसर इधर जा रहा है, तो हमारा तो कोई आंसर आएगा ही नहीं। तो ऐसे जब आंसर लिखे तो हम लिख लेंगे आंसर में डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि उसका आंसर नहीं आएगा। क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि उसका आंसर आएगा, मैं ये लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स कि उसका आंसर आएगा नहीं दोस्तों। अब हम फोर्थ से आगे का सम करवाएंगे, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले सम्स में क्या है, सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख देंगे, एक्स टेंस टू 1 है और वाई टेंस टू 7, मतलब वाई का आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो लिख देते यहां एक्स इंक्रीजिंग 2 माइनस 1, और यहां तो एफ एक्स आएगा आप सबको पता है। यहां क्या लिख देंगे, एक्स डिक्रीजिंग 2, क्या लिख देंगे, -1, और यहां तो क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। अब मैंने माइनस वाला सम्स करवाया था, अब ये मत देखो ये हमारा आंसर है, ये हमको क्या लाना है, आंसर लाना है। ये मैंने माइनस वाला आपको सम करवाया था याद ना हो तो, ये थर्ड ही करवाया था, ये देखो ये माइनस वाला ही था। तो माइनस वाले में मैंने आपको क्या बोला था, इंक्रीजिंग यानी क्या लेना है, छोटी वैल्यू लेना है, लेकिन हमारे यहाँ पे -3 से छोटी क्या हो जाएगी, -3.1। तो यहाँ भी क्या लिख लेंगे हम, -1 से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी सर, -1 से छोटी होगी -1.1 होगी। क्या होगी सर, -1.1 होगी। कैसे सर, -1.1 छोटी होगी, बड़ी क्या होगी, बड़ी होगी -1 से बड़ी 0.9, क्या हो जाएगी 0.9। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, -1.01 पहले, फिर -1.001, फिर -1.0001, और यहाँ क्या लिख देंगे 0.9, बड़ी संख्या लेनी हमको क्या करना है, इसका इंक्रीजिंग करते जाना है, क्या करते जाना है, इंक्रीजिंग। देखो 1.1 से ये बड़ी संख्या, ये भी इंक्रीज हो रही है, यहां से ये भी इंक्रीज, और यहाँ कम करते जाना है, क्या करते जाना है, कम। तो -0.9 सबसे बड़ी संख्या है, 0.99 उससे छोटी संख्या हो जाएगी, -0.999 उससे भी छोटी संख्या हो जाएगी, -0.1, 2, 3 और 4 उससे भी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उससे भी छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये चारों चार कौन सी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये अब आगे हम क्या करेंगे सर, सिंपल जैसे हम करते थे वैसे ही करना है। ये वाला पेज तो नहीं, एक मेरे को रफ पेज चाहिए, तो दोस्तों रफ पेज मिल गया है मेरे को, चलो हमको रफ पेज मिल गया। रफ पेज में क्या करेंगे सर, रफ पेज में हम लिमिट रखेंगे, देखो -1.1 रखना है, तो 5
माइनस टू का टू ही रखेंगे, माइनस वन पॉइंट वन, तो फाइव का फाइव। देखो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस। अब कैलसी लगाना पड़ेगा, कैलसी लगाने में क्या लिखेंगे, टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट वन लगेंगे, क्या लगेंगे, टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट वन, टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट वन, तो आंसर क्या आएगा, टू पॉइंट टू। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, टू पॉइंट टू आ जाएगा। तो फाइव प्लस टू पॉइंट टू यानी क्या हो जाएगा, सेवन पॉइंट टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, सेवन पॉइंट टू। तो ये फर्स्ट वाला सेवन पॉइंट टू लगा देंगे, सेकेंड वाला उसी तरह सॉल्व करना है दोस्तों, फिर से क्या आ जाएगा, माइनस वन पॉइंट जीरो वन, ये फर्स्ट था। सेकेंड वाले में क्या लिखेगी, फाइव माइनस टू माइनस वन पॉइंट जीरो वन, माइनस माइनस तो ऑलवियसली क्या हो जाएगी, प्लस ही होगी, टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट जीरो वन करेंगे हम, तो यहाँ टू मल्टी, अरे सॉरी दोस्तों, टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट जीरो वन, तो यह आंसर क्या आया, टू पॉइंट जीरो टू, 2.02, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 2 7.02, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 7.02, क्या आ जाएगा, 7.02। अब आपको पता चल जाएगा यहाँ नीचे और क्या आएगा, 7.002, यहाँ और नीचे क्या आएगा दोस्तों, 7.12302, कितने आ जाएंगे, 7.0002 आएंगे। अब क्या करना है, अब इसकी लिमिट सर रखना है, रख देते तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, माइनस 0.9 है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5 माइनस 2, अब हमको क्या रखना है, माइनस 0.9, माइनस 0.9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सर, तो 5 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.9 करना है, ये बार बार निकलता जा रहा है, रुको जाओ इसको हम सीधा ही कर देते हैं मोबाइल को, अब हो गया, चलो कवर ही निकाल दिया दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.9, तो आंसर क्या आ गया, 1.8, तो 5 प्लस 1.8 यानी कितना हो जाएगा, 6.8, क्या हो जाएगा, 6.8, यहाँ पे हम लिख देंगे 6.8। अब फिर से माइनस 0.99, तो यहां सेम 5 माइनस 2 और यहां क्या आ जाएगा, 0.99, तो माइनस 0.99, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 2 यहां कैलसी, 2 मल्टीप्लाई 0.99, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.98, तो 5 प्लस 1 यानी 6.98 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 6.98। तीसरा वाला करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा सर, 6.98। चौथा वाला हम सर करेंगे तो क्या आ जाएगी, 6.98। फोर्थ वाला करेंगे तो हम सर आ जाएंगे 6.3998 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 6.3998 हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, ये वाला किसके नियर बाय जा रहा है सर, 7 के, ये वाला किसके नियर बाय जा रहा है सर, 7 के, तो आंसर क्या आएगा सर, 7 आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, 7 आंसर, और हमको लाना भी कौन सा था, 7 आंसर। तो दोस्तों ये कौन सा नंबर था, 5th नंबर था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसका हमारा आंसर आया 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कैसा आंसर आएगा सर, लाते फिर पता चलता है कितना आंसर आता है। सबसे पहले तो यहाँ फिर से फैक्टराइजेशन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर वाला, तो न्यूमरेटर एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 14 सर। अब सर 14 टू सा कितना हो जाएगा, 28, और ये 3 का क्या हो जाएगा सर, 3 सर। अब हमको लाना है माइनस करके प्लस 3 आंसर लाना है, बड़ा डिफिकल्ट है, चलो ला देते 7 फोर सर 28
और 7 माइनस 4 3, वेरी गुड भाई, आ गया। लिख लो 2x² प्लस 7x, क्या लिया है, -4x -14। ये दो ये दोनों में से सर खाली x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 7। ये दोनों में से सर खाली 2, लेकिन ध्यान रखना बाहर क्या है, माइनस, तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। तो 2 बाहर निकाल दो तो 2x माइनस बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 7। 2 टाइम्स है, उसको हम सर कितने टाइम्स लिखेंगे, सर 1 टाइम्स, और x माइनस 2 को क्या लिखेंगे, 1 टाइम्स। ये हमारा सर आंसर आ गया। अब किस में रखेंगे, इसमें सर लिमिट x टेंस टू, 2 सर 2x² प्लस 3x माइनस क्या हो जाएगा सर, 14 डिवाइड बाय x माइनस 2 होगा सर। अब क्या करना है सर, ये जो आंसर आया था न्यूमरेटर का वो रख दो, ठीक है सर का, लिमिट x टेंस टू 2 2x प्लस 7 x माइनस 2 डिवाइड में भी क्या लिखेंगे, x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे को क्या फाइंड करना है सर, हमको ये फाइंड करना है x टेंस टू 2, और यहाँ क्या लिख देंगे, 2x प्लस 7 लिख देंगे सर, क्या लिख देंगे, 2x प्लस 7। यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ सर करेंगे x टेंस टू क्या है, 2 है, तो x इंक्रीजिंग 2 2, और यहाँ f ऑफ x, यहाँ क्या लिख देंगे, x डिक्रीजिंग 2 2, और यहाँ क्या लिख देंगे, f ऑफ x, x इंक्रीजिंग टू 2 f ऑफ x, x डिक्रीजिंग टू 2 f ऑफ x लिख देंगे। यहाँ x इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हुए तो मैंने बताया था क्या लिखना है, 1.9 इसके नियर बाय नंबर, तो 1.9, और यहाँ सेम टू सेम क्या लिखेंगे, 2.1। 1.9 के बाद क्या हो जाएगा, 1.99, 1.999 और 1.1, 2, 3 और 4, 9, यहाँ सेम 2.01, 2.001 और 2.001। अब सर, अब वही हमारी मेथड, पेज लो 2x प्लस 7, यहाँ क्या है, 1.9 है, x की जगह सर 1.9 पुट करो, प्लस 7 का क्या लिखो, 7 लिखो। तो दोस्तों कैलसी करनी पड़ेगी इसमें, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1.9 3.8 प्लस 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10.8, क्या आ गया दोस्तों, 10.8। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10.8। दूसरे का करो सर, ठीक है बच्चे, 2 दूसरे में क्या रखना है, 1.99 प्लस क्या हो जाएगा, 7 कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 1.99 प्लस क्या हो जाएगा, 7 सर 10.98। आपको पता चल जाएगा क्या आ जाएगा, 10.998 सर। अब सर 10.998, इतने सारे सम किए तो सर, तो हमको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब ये वाला रखो 2.1, तो सर 2.1 रखेंगे 2x प्लस 7, याद रखना। अब क्या रखना है, 2.1, तो 2 इंटू 2.1 प्लस क्या कर देंगे, 7। ये रहा सर कैलसी, 2 मल्टीप्लाई 2.1, तो आंसर आया सर 4.2 प्लस क्या लिख देंगे, 7। 4.2 प्लस 7, तो आंसर आ गया सर 11.2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11.2। फिर से 2.01 2.01 प्लस क्या लिख देंगे, 7 दोस्तों, 2.01, तो 2 मल्टीप्लाई 2.01
आंसर क्या आ जाएगा, 4.02 प्लस क्या हो जाएगा, 7 कर दो तो 11.02 आया हमारा, यहाँ 4.02 आया प्लस 7 इसलिए हो गया 11.02। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 11.02। अब आपको पता चल गया होगा 11.002, फिर क्या आएगा 11.0002 आएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये वाला नंबर है वो किसके नियर बाय जा रहा है सर, 11। ये वाला आंसर है वो भी किसके नियर बाय जा रहा है सर, 11। तो हमारा आंसर सर क्या आएगा सर, 11। तो ये था हमारा 11 वाला आंसर। तो ये वाला नंबर कौन सा था दोस्तों सर, ये वाला नंबर था 6। कौन सा नंबर था, 6। आप तक अभी तक आपने हमारी चैनल केबी कॉमर्स नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां से अब मैं फास्टली सब वीडियो बनाना चालू कर दिया है, एक के बाद एक वीडियो मैं आपको अब बेहतरीन कंटेंट के साथ देना चाहता हूं। अगर तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप कुछ न कुछ यहाँ पे क्या करोगे, मिस करोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को फास्टली क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बना के दे सकूं। तो आगे का हम नंबर सर करते हैं 7। सर 7 नंबर जैसे पहले किया था वैसे का सर वैसे ही है। कैसे, यहाँ सर x टेंस टू 2 दिया है, y का आंसर सर आना चाहिए 17, इसलिए हम y का आंसर क्या लाएंगे सर, 17 लाएंगे इसमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ला देते हम आंसर इसमें। तो सबसे पहले तो सर यहाँ लिखेंगे x टेंस टू 2 है, यानी x इंक्रीजिंग 2 क्या लिख देंगे, 2, यहाँ f ऑफ x, यहाँ x डिक्रीजिंग सर क्या लिख देंगे, 2, और यहाँ f ऑफ x लिख देगी, क्या लिख देगी, f ऑफ x, x इंक्रीजिंग टू 2 f ऑफ x, x डिक्रीजिंग टू 2 f ऑफ x लिख देगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सर रफ काम के लिए तो कोई कोई बचा नहीं है, तो सर रफ काम यहाँ कर लेते हैं छोटी सी जगह में। सेम 5x प्लस 7 है, यहाँ 2 है दोस्तों, तो बताओ क्या रखेंगे सर, 1.9, 1.99, 1.999 और 1.1234। यहाँ पे सर 2.01, 2.001, ओ ओ ओ सर 2.1 आएगा ना, ओके दोस्त 2. क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ 2.01 आएगा, यहाँ पे 2.001 आएगा, और यहाँ पे 2.001 आएगा, यहाँ पे हमारा है 2.01 आंसर। क्या है दोस्तों, 01, और यहाँ पे क्या है, 2.1। तो 1.9 कहाँ रखना है, यहाँ पे, तो 5 × 1.9 + 7 डायरेक्ट कर देते हम। अब मैं इसकी सहाय नहीं लूंगा, अब डायरेक्ट मैं मोबाइल का ही लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 5 × 1.9 + 7, तो हमारा आंसर आएगा सर 16.5। दूसरे का करता हूँ 1.99 क्या करना है, 5 + आंसर क्या लाना है, 7, तो हमारा आएगा सर 16.95। दूसरा का आंसर क्या लाना है सर, हमारा 1.999 सर 5 + क्या लाना है सर, 7, तो आंसर आएगा सर 16.995। फिर यहाँ 16.9995, तो हमारा सर पहले 1.9 पुट किया तो इतना, 1.99 पुट किया तो इतना, 1.999 पुट किया तो इतना। अब सर 2.1 पुट करके देखो, जी हाँ 5 × 2.1 पुट कर देते तो 10.5 आया, क्या आ गया दोस्तों 10.5। फिर दोस्तों 2.01 पुट करो तो सर 2 मल्टीप्लाई
हाँ, 7 हेड का? नहीं, इसमें 7 हेड हमने नहीं किया, देख लो। तो यहाँ 7 हेड करना पड़ेगा। देखो, 5 × 2.1 किया हमने, 10.5 आया, प्लस ये 7 हेड करने, तो हमको क्या आ जाएगा, 17.5। क्या आ जाएगा दोस्तों, 17.5। ये वाले सम में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। 2.01 यानी 5 × 2.01 प्लस क्या हो जाएगा, 7, तो 17.05 आएगा। इसमें क्या करते हैं, 2.001 मल्टीप्लाई क्या करना है, 5 प्लस क्या करना है, 7, तो क्या आएगा, 17.005। और यहाँ पे 17.12305, तो सर इसका आंसर आएगा 17, इसका भी सर आंसर आएगा 17, तो सर फाइनल आंसर आएगा 17। तो ये हमारा था दोस्तों कौन से नंबर वाला सम। तो सर ये था हमारा 6 7 नंबर, सॉरी कौन सा नंबर था, 7 नंबर। तो हम आगे करवा देते एक और सम 8 नंबर वाला, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। देखते दोस्तों लास्ट फाइनल टेबुलर मेथड का सम। तो सर टेबुलर मेथड का लास्ट सम है 8 नंबर। चलो सर करते हैं, इसमें माइनस वाला है, ध्यान से देखना वरना आंसर हमारा नहीं आएगा। सबसे पहले तो न्यूमरेटर सर सॉल्व करते हैं, ठीक है। nx इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 4x² + 5x + 1। इसमें थोड़ा सर डायरेक्ट कर देते, 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 और डायरेक्ट 5, तो 4x² + 4x + 1x + 1। तो ये दोनों में से कॉमन सर 4x x + 1, ये दोनों में से सर कुछ नहीं यानी 1, तो x + 1, दोनों में x + 1 सर और 4x + 1, ये सर हमारा न्यूमरेटर आ गया। लिमिट ले लो, लिमिट x→-1, क्या लिखना है, 4x² + 5x + 1, डिवाइड में क्या लिखना है, x + 1। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों लिमिट x→-1, और यहां पे आंसर क्या आया, ये वाला x + 1 और 4x + 1, डिवाइड में क्या हो गया, x + 1 क्या हो गया, कैंसल आउट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, लिमिट x→-1 और यहाँ 4x + 1, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आना चाहिए -3 आंसर। देखते हैं सर कैसे आ गया, भविष्यवाणी कर देते हो आप। यहाँ लिख दो x इंक्रीजिंग टू -1, और यहाँ क्या आ जाएगा, f(x) एक्स डिक्रीजिंग टू क्या लिख देंगे, -1, और यहाँ f(x) दोस्तों क्या हो जाएगा, f(x) इंक्रीजिंग करना है तो क्या लिख देंगे, -1.1 -1.01 -1.001 और -1.0001। डिक्रीजिंग करना है तो दोस्तों सिंपल सर, -0.9 बड़ी संख्या रख दो, -0.99 -0.99 और यहाँ सर -0.56। चलो अब कैलसी का सही इस्तेमाल करते हैं। 4 × -1.1 4 × -4 × 1 ब्रैकेट क्लोज, तो आंसर आया -4.4 + 1 + 1, तो आंसर आएगा -3.4। क्या आ जाएगा दोस्तों, -3.4। अब फिर से क्या करेंगे, 1.01,
तो सर 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, -1.01 ब्रैकेट क्लोज, सर -4.04, प्लस क्या करना है 1, तो सर -3.04, फिर सर क्या आएगा -3.004, फिर सर क्या आएगा -3.004, ये आ जाएगा। अब यहाँ तो सर यहाँ पे हम लिखेंगे -0.9 है सर, तो 4 मल्टीप्लाई 0.9, 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -0.9 ब्रैकेट क्लोज, -3.6 आया, प्लस क्या है 1, तो प्लस क्या लिखेंगे 1, तो आंसर क्या आ जाएगा सर -2.6, फिर 0.99 सर, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस क्या है 0.99 सर ब्रैकेट क्लोज, तो -3.96, प्लस क्या है 1, तो सर आया इसका -2.96, सर फिर कितना आएगा दोस्तों 2.96, और फिर सर -2.996, तो ये वाला आंसर आएगा -3, नियर बाय जा रहा है -3 के, और ये वाला भी कहाँ नियर जा रहे है -3 का, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों -3, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा -3। सर बिल्कुल सही है, आपने जैसी भविष्यवाणी की थी वैसे ही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों लास्ट में जाते वक्त मैं बोल देना चाहता हूँ, ये थी टेबुलर मेथड, ये कौन सी थी टेबुलर मेथड। अब मैं बनाऊंगा ये वीडियो, मॉड्यूल्स एंड इंटरवल्स, इंटरवल्स एंड नेबरहुड, मॉड्यूल्स एंड नेबरहुड, इसके हम एक ही या दो वीडियो बनाएंगे। कितने वीडियो बनाएंगे, तीनों के मिला के एक ही या दो वीडियो। तो दोस्तों तब तक आप लोग क्या कीजिए, तब तक हमारी एक चैनल है जिससे आप वीडियो देख रहे हो और अच्छा अच्छा कंटेंट मिल रहा है और आप नॉलेज गेन कर रहे हो लिमिट चैप्टर के बारे में, तो ये केबी कॉमर्स नोट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन पे क्या कीजिए टिक कीजिए, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आप क्या करो देख पाओ। तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने से आप जैसे स्टूडेंट आपके दोस्त बिना फीस दिए पाए आप अपने घर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए आप लोग क्या कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो लोग बिना फीस दिए ये कोरोना का कठिन समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट वाला नॉलेज दे पाए ले पाए। तो तब तक के लिए दोस्त मैं जा रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन सा है मैंने बता दिया, मॉड्यूल्स इंटरवल्स एंड नेबरहुड। लिमिट में मॉड्यूल्स किसे बोलते हैं, इंटरवल किसे बोलते हैं, और नेबरहुड किसे बोलते हैं, उसके बारे में। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।